हेलो गाइस, वेलकम टू बिंटू शूट्स। मेरा नाम है राहुल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल नंबर को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं बिना स्टोर पे जाए। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक नई फैसिलिटी रोल आउट कर दी है जिसकी मदद से आप अपना आधार नंबर लिंक कर पाएंगे अपने मोबाइल नंबर से बिना स्टोर में जाए। ये पूरा प्रोसेस आप मोबाइल ओटीपी और एक IVR यानी कि फ़ोन पे ऑटोमेटेड वॉइस रिस्पॉन्स जो आपको मिलेगा उसका जवाब देते हुए आप ये पूरा प्रोसेस फ़ोन से ही कर पाएंगे। तो सबसे ये पूरा प्रोसेस क्या है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो ये प्रोसेस आपके किसी भी ऑपरेटर के साथ काम करेगा, एयरटेल, जियो, आइडिया, क्योंकि सभी नंबरों को आपको आधार के साथ लिंक करना है। इसकी डेडलाइन है मार्च में, तो ये सभी नंबरों के साथ काम करेगा। दूसरा, ये जो नंबर है ये टोल फ्री है, इसको कॉल करने पे कोई चार्ज नहीं लगेगा और ये ऑफिशियल अपडेट है। कोई फ्रॉड नंबर नहीं है कि आपका आधार डिटेल लीक या कुछ हो जाएगी। ये देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये बैनर है जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि अब आप आधार को OTP के द्वारा लिंक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो देखिए, प्रोसेस काफ़ी आसान है। पहले आपको कॉल करना है ये नंबर 14546। तो आप ये नंबर कॉल करें और ये सबसे पहले आपको मशीन की आवाज़ आएगी जो आपसे पूछेगा कि आप एक इंडियन नेशनल हैं या आप NRI हैं। तो आप वो ऑप्शन चूज़ करिए। फिर आपसे मशीन पूछेगी कि आप अपने आधार को मोबाइल से लिंक करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी सहमति दें। तो आपको एक करना है। अगले स्टेप में आपको अपना आधार नंबर प्रोवाइड करना है और फिर वापस एक प्रेस करना है फ़ोन में। उसके बाद आपको OTP मैसेज आएगा अपने मोबाइल फ़ोन पे, जो आपको आधार कंपनी की तरफ से आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि आपके आधार के साथ आपका एक मोबाइल नंबर ऑलरेडी होना चाहिए। जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक मोबाइल नंबर, आपका एक ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक्ड होता है, तो उसी नंबर पे आपको OTP आएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप आधार के साथ लिंक करना चाहते हैं, फिफ्थ स्टेप। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम, फ़ोटो, डिटेल्स आधार डेटाबेस से यूज़ करने के लिए आपको अप्रूवल देना होगा। फिर से आप 1 प्रेस कर दीजिए। फिर मशीन आपको बोलेगी जो नंबर आप लिंक करना चाहते हैं उसके लास्ट के 4 डिजिट। अगर वो नंबर सही है तो आप जो OTP आपको मिला आपके नंबर पे आधार की तरफ से, वो OTP डाल के कन्फर्म कर दीजिए 1 दबा के। तो दोस्तों, ये प्रोसेस करने से आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक हो जाएगा और ये पूरा काम आप फ़ोन से कर सकते हैं टोल फ्री नंबर से। इसके अलावा अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर हैं तो आप 2 प्रेस करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या दोबारा उस नंबर से ये टोल फ्री नंबर डायल करके फिर से पूरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑडियो में आपको वो स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। आपको बस अपना जो नंबर आप लिंक करना चाहते हैं वो, जो नंबर आपका आधार से जुड़ा हुआ है वो नंबर आपका फ्री होना चाहिए और आपका आधार नंबर आपके पास होना चाहिए। ये लेके आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और आप अपना आधार लिंक कर पाएंगे आसानी से। तो अभी के लिए दोस्तों, ये सर्विस अभी ही लॉन्च हुई है और फिलहाल एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन पे ये सर्विस काम कर रही है लिंकिंग की। जियो पे अगर हम ये नंबर कॉल करते हैं 14546 तो फिलहाल नंबर डाइवर्ट होता है, बोलता है कि कस्टमर केयर से कनेक्ट हो रहा है लेकिन फिर अपने आप डिसकनेक्ट हो जाता है। तो जियो पे अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है और BSNL के भी कुछ ग्राहकों ने बताया है कि अभी वो इस सर्विस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चिंता मत करिए, आपके पास समय है। IVR का जो सिस्टम है वो फिलहाल बता रहा है कि आपको 6 फरवरी तक ये लिंकिंग करनी है। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करें तो 31 मार्च तक का टाइम है इस लिंकिंग के लिए। और एक बात और कि जो भी सब्सक्राइबर्स कॉरपोरेट प्लान्स पर हैं, जिन्हें सिम उनके कंपनी की तरफ से मिली हुई है या जो कॉरपोरेट प्लान्स में हैं, उन लोगों को ये
रीवेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाने के लिए बोला था, जहाँ पे कंज्यूमर्स वेबसाइट पे जाके अपना आधार लिंकिंग का प्रोसेस कर सकें, लेकिन ऐसी वेबसाइट अभी तक नहीं बनी है। तो फिलहाल के लिए अगर आप स्टोर नहीं जाना चाहते और आधार लिंक करना चाहते हैं तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 14546, जिसे डायल करके आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं आधार लिंकिंग का। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मेरी साइट का पे ये आर्टिकल है bintushoots.com पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आधार लिंकिंग में या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन्हें इंजॉय करिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।